आम ओडिशार लुचि जाउथुबा चाउल चुनार रुटी बा परठा चालंतु आज बनेबा बहुत ही टेस्टी देखंतु केते सॉफ्ट हेची हाथरे धरिकी ताको पूरा प्रेमती कर देले भी से जेमती को सेंती जाउची बहुत सॉफ्ट हेची ए परठा आपण माने वीडियो को देखि चालंतु मो बनेबा प्रोसेस भी सब जानी परिबे कार मु आपण मन को मामा हाथरंदा किचन को स्वागत करूची। आज रो वीडियो टी जति फुल लागितिबो लाइक ते निहाती करिबे। ता सहित जो मैंने आज मो चैनल को फर्स्ट टाइम आसछन्ते कि मैं पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना होती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन रे भी क्लिक कर देबे तो नेक्स्ट रेसिपी रो नोटिफिकेशन भी आपण मन को पाखो को फास्ट पहुँची जीवो। तेणु चलंतु आज रो वीडियो टी स्टार्ट करिबा। हमें डेढ़ गिना चूना को चलई नबा एबे आउ आधा गिना को मिसेक एबे आमे चलई नबा। जदि आपण को पाखरे एमती टाइप रो चालनी नथिबो आमे साधारणत जोटा रे कि आमे चूना चल था ना सहीटार ही चलने ने सी भी हो जिनसा जे गुटले गुटले रही भांगापी ही आमको चलेबा निहाती जरूरी। तेबे पास आम चूना को सब चलु आम जी आम चूना नहींचुक मात्रार आम पा नहीं देढ़ गिना पा देदेलु कई रेद देढ़ चामच मुझे छोट चमच रेढ़ चामच ए लुण दूसरी आपत आपको स्वाद मुताबक लुण देदेवे। गोटे चामच जीरा मु गोटे चुटकी भाया चिल्ली फ्लेक्स दूसरी जदि आपखे न भी सुखा लंका को छोट छोट खंड कर काटिकदे आई धनिया पत्र को भी एमती छोट छोट काटिकसई नवा मिसेदेब गोटे चामच तेल को एवं भल कि मिसई नवा पानी फुटवा आरंभ हो गला आम आंच को स्लो कर नवा चूना को एवं गोटे हाथ एमती ढालुवा गोटे हाथ घाटुवा एमती सब कुछ भल कि गोल नवा गोल कि ए पर्यंत आंच को पूरा स्लो करके रखी रखिक सब भल कि मिसेद मिसई सारापर आंच को आम बंद करदे आभर करके 20-25 मिनिट पर्यंत छाड़ीदे देखु सब बहुत बढ़िया कि मिसी गला गैस को बंद करदे बंद करके कभर करके छाड़ ना रखिए कि ये गरम गैस चूलार रखिए ये स्टीमटा हे ये स्टीम्र ही आम जंतुटा भल कि सीझीज इजी आउ टेस्टी पनीर तरकारी से गोटे चामच तेल दबा आती जीरा गोटे चामच दुई चामच धनिया गोटे चामच पान मुहरी दुईटा सुखा लंका गोटे तेजपत्र आम फुटापी छाड़ा तो 20 सेकेंड पर्यंत भाजवापर ये मिसेबा दुईटा पिज को मुझे नुआ पिज जो आईटा ही नहीं दुईटा नुआ पिज 2 इंच लंबार गोटे अदा तो 20-25टा रसुण ए सबको आम भाजी नवा मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम भाजवापर एबा से तीनोटा मीडियम साइज रो टमाटो ता सहित मुझे देढ़ चामच छोट चमच देढ़ चामच लुण दे दिली 2 पिंच हम गरम मसला जदि आप गोटा मसला थी तो गोटा मसला देले भी चलो ना भी ये जगार गरम मसलार पाउडर टिके देदेबे देखे दे सब गोल नवा गोल कि 3-4 चामच भाया पा मिसेद मिसेक आम कभर करके सीझापी छाड़ीदे मिनिट पर्यंत कभर करके सीझेबापर एवं देखो सब गुड़ा बहुत बढ़िया कि सीझीगलाने पैन रु बाहर करनाबापर आपको ग्राइंडिंग करनाबा गोटे चामच तेल देखिए एवं पनीर रो गोटे चुटकी हलदी गुंड गोटे चुटकी रेड चिल्ली पाउडर आसमती गोटे छोट चमच अध चमच लुण ए सब को एवं देखिए भल कि गोल नवा गोल कि गरम पैन रे तेल देखे पकई नवा पकई कि बेसी नुहे बास गोटे मिनिट पखापाखि मीडियम फ्लेम रे भाजवा जमीक हाल्का कि कोटेड हो बेसी भाजबानी बेसी भाजीदे पनीर टाण हो 2-3 मिनिट पर्यंत भाजवापर एवं देखो आमर पनीरटा हाल्का कि कोटेड हो गला मुझे उषुम पा रखी ए उषुम पा रे ए पनीर सब कुछ मिसेद मिसेक आपको छाड़ीदे कहीं एमती टाइप कले पनीर सफ्ट हो पैन रो गोटे चमच तेल देदे गरम हाँपर गोटे कैप्सिकम को स्क्वेयर साइज रो काटिकी भाजी नवा फुल आंचर एवं भाजवा कितु कैप्सिकम को कभर करवानी एमती ओलट पालट करके गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नवा मिनिट भाजवापर एवं गैस को बंद करदे 3 चामच तेल गरम करापर से मुझे गुआ घी गोटे चामच मिसेदी गोटे चामच ये जीरा देदे आंच को स्लो करके कसूरी मेथी भी गोटे चामच मिसेद तापर एवं मसला को आम बाटिक रखे से मसला ये गोटे चामच देदे हलदी गुंड और टेस्ट मुताबक लुण लुण कितु आगर दुई थर आम एड कर देखिकी एवं ये लुण को भी एड करनवा आ कभर करके
4-5 मिनिट पर्यंत मसला को स्लो रु मीडियम आंच रे छाडीबा। मसलाटा भल्लके मझेरे मझेरे कभर को खोली के घांटी भी दोथुबा, मसला भल्लके कसी हिजबो। 4 मिनिट पर्यंत मसला को कभर करके छाडतिलु। मसला मझेरे मझेरे त घांटीबा परे देखो तो मसलाटा हमर बहुत बढ़िया कसी हिगलानी। एबे हमें ए टाइम रो देखो तो मु दुईटा पनीर रो पीस आ ता सहित 8-10 काजू, गोटे चम्मच मगज, ये सब को ग्राइंडिंग करके एटी एबे मिसेई नबा। एबे ई पेस्ट को मिसेई नबा। जार को भी धोई कि से 2 चम्मच पानी मिसी कि एबे एठी हमें मसला रे दे कि भल्लो के कसी नबा। बे भल्लो के कसी हबा परे हमें जे पनीर को जो पानी रे हमें भिजे कि रखीतिलो बस से पनीर रो पानी को एबे एठी दे दबा। देखि गोळेबा जदी आवश्यक पड़िबो हमें एक्स्ट्रा एठी गरम पानी भी मिसेबा। मु एठी आधा केजी पनीर को तार प्रिपेरेशन रो करू छी। ए मसला सब भी सेती कि अमाउंट रे नै छी। आपण माने जेती कि मात्रा रो पनीर करिवे सेही अनुसार एठी क्वांटिटी को एड करिवे। तो एबे इठी गरम पानी मिसेबा परे हम एबे कभर करनबा। झोलो को फर्स्ट फुटिबा पई एबे हम छाडी दबा। 4 मिनिट फुटिबा परे एबे हम ई जे पनीर को सो भाजी के रखी छु ताकू भी एबे मिसेइ नबा। मु गोटे चामच चीनी मिसेउ छी। जदी आपण मान को एवॉइड करथुबे चीनी को त न मिसेले भी चलिबो, किंतु हल्का के टिके स्वीटनेस दबा पई एबे गोटे चामच चीनी मिसे दबा। मिसेला परे तार टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसीबो। एबे फुटिबा पई छाडी दबा। 4 मिनिट फुटिबा परे एबे हम कैप्सिकम को भी मिसेई दबा। मिसेई कि एबे गोळेई गोळा दबा। आउ एठी गोटे 1.5 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाडीबा। एबे देखंतु तरकारीटा हमर फुटिबा परे किते सुंदरता लुक रहउची। बिना क्रीम बिना दही रो भी पनीर तरकारी बहुत ही टेस्टी लागे। आपण माने निहाती प्रोसेस रे थरे बनेबे। तो एबे एथिरे 2 चुटकी दे दबा गरम मसला, ता सहित 2टा कंचा लंका आउ किछि धनिया पत्र दे कि एबे गोळेई नबा। गोळेई कि आउ गोटे मिनिट पर्यंत गैस को बंद कर दबा, कभर करिकी तापरे बाढ़ी की समस्ते खाइ नबा। 25 मिनिट परे एबे हातर धरिकी चकटीबा पळिया हेई गलानी। एबे हमें ताकु भल्लो कि एठी 5-6 मिनिट पर्यंत सपोड एमती टाइप रे करिकी चकटी नबा। हातर आधा चम्मच तेल दे देकी पूरा भल्लो कि चकटिला परे एबे देखंतु अटार चकटाटा जेमती टाइप रे रोटी परठा पई करा जाय थाय ना, पूरा सेमती टाइप रे हेई गलानी आ एकदम स्मूथ हेई गलानी। एमती टाइप रे पे छोट छोट बॉल शेप रे बने कि हमें अबे कभर करके रखि नबा। बिना कभर रखिबा जति टाण हे जिवो आ से रोटीटा फाटी फाटी का जिवो। हमें से जे गोल बनै थिलु से बॉल को नै कि अट्टा रो हल्का कि डस्ट कर दबा करके अबे हमें बेली नबा। अबे हमें से बॉल को नबा अट्टा रो हल्का कि डस्ट करबा। हल्का कि डस्ट करके अबे गुला को भी धीरे धीरे प्रेस करबा। एमती धीरे धीरे करके बेली चलिबा। साइड उड़ा जे टिके टिके कटुची। जदि एमती टाइप रे न रखी कि पूरा प्लेन करिबा पई चाहिबे गोटे छोटो टिफिन रो कभर नै जिवे। नै कि ताको ऊपर रखी कि काटी देबे से इक्वल पूरा हे जिवो। एमती रखिले भी किछि भी असुविधा नाही। गोटे करिकि भी देखि दुची एमती टिफिन रो कभर नेबे। नै कि जोर से एमती प्रेस कर देबे तार एक्स्ट्रा पार्ट जोडा थिबो से ताको बाहर कर नेबे। एबे को बाहर कर दबा। देखंतु कित्ते सुंदर की हेई गला। एमती टाइप रो मु बाकी सब को बनेई नउ छी। एबे टाइप रो बेलिबा परे एबे चालन तो हमें सेकी नबा। को एबे भलो की गरम करबा परे एबे हमें गोटे पकेई नबा। पकेई के एबे मीडियम फ्लेम फास्ट करबा। 30-40 सेकंड पर्यंत गोटे साइड को खोबा परे ताको एबे हमें लौटेई नबा। लौटेई की पुने आउ एठी गोटे मिनिट पाखा बाकी छाडीबा। जेमती टाइप रो रोटी परठा बनै थौ ना बा सेम से हिसाब रो बनै नबा। जदी आपण माने चाहिबे तो एडी तेल घीओ देबे। जदी न चाहिबे एमती सुखा रोटी भी करिके खाइ परबे, से भी बहुत ही टेस्टी लागे। तो एबे हमें एई थिरे देई दबा किछि घीओ। बस म बेठि देई दउ छी। देखंतु कित्ते सुंदर की फुलिबा आरंभ भी हे गला। एबे देखंतु परठा कित्ते सुंदर की पूरा फुली गलानी। एमती टाइप रो सब परठा पूरा पूरी आम जमी रुटी अटार बनई थाऊ ना सेमती टाइप रो पूरा फुली जीव आउ एकदम सॉफ्ट होकर रोबो। गोटे दिन बनइबे ता पर दिन पर्यंत भी ए चावल रुटी की परठाटा पूरा सॉफ्ट होकर थाए। एमती टाइप रो मु बाकी सब को बनई नउ छी। एबे पे मोर लास्ट परठा भी आम बनई नेलु। एमती टाइप रो सब परठा को बहुत ही सॉफ्ट होई छी, किंतु बनइबा बेले टिके ध्यान देबे के जे रुटीटा जो बेलिबे ना से पतला करके बेलिबे नहीं, हल्का कि टिके मोटा रखिए जी परठा पूरा सॉफ्ट होकर रोब।
रेडी होगा आज परठा आपण मानक केमती लगुच आज परठा प्लीज कमेंट बॉक्स रे जणेबे ता सहित जो माने आज मो चैनल को फर्स्ट टाइम आसीथिबे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने बे साइड रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन रे क्लिक कर देबे तो नेक्स्ट रेसिपी रे नोटिफिकेशन भी आपण माने पाई जिवे। छोटो रिक्वेस्ट प्लीज आपण आपण को फ्रेंड्स और रिलेटिव भीतर वीडियो को शेयर करंतु। ए सब जिंस ओडिसा रो बहुत पुराना काल रे जेटे ऑथेंटिक हम चावल रोटी बा चावल परठा तो से सब आस्ते आस्ते लुची जाऊँ कि आज भिडटी देखापुर आपति थे बन एंजय करूँ। हाँ जदि आपण मैने नॉनवेज खाऊ ना मटन सहित खाइबे कि चिकेन सहित खाइबे सी भी बहुत भल लगे। आज चाउल चूनार परठा रेडीगला आपण मैने निहाती टाइप्रे बनई कि एंजय करूँ। पुणी देखा हे नेक्स्ट रेसीपी बाय।